हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड चैनल। अभी हम लोग देखेंगे RSI कैसे हम सेट करते हैं जीरोधा काइट पे। अभी हम लोग आगे डेस्कटॉप मोड पे, डेस्कटॉप मोड पे यहाँ पे लैपटॉप में, लैपटॉप में आने के बाद में यहाँ पे गूगल क्रोम में चले गए। उसके बाद में काइट का वेबसाइट भी ओपन कर लिए। उसके बाद में जाएंगे यहाँ पे, अपना यूज़र आईडी दे दिया। उसके बाद में पासवर्ड एंट्री करते हैं। पासवर्ड एंट्री हो जाने के बाद में पिन कोड मांगता है। पिन कोड अभी एंट्री करेंगे। तो पिन कोड एंट्री करने के बाद में हम इसी विंडो पे आ गए। विंडो पे आने के बाद में यहाँ पे डेस्कटॉप का मोड है। यहाँ पे अपना पूरा डेस्कटॉप का मोड में सब दिखाएगा। यहाँ पे ऑर्डर्स बुक दिखाएगा, यहाँ पे होल्डिंग दिखाएगा, ऊपर पोजीशन है, यहाँ पे फंड्स है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें वॉच लिस्ट पर जाना है। यहाँ पे 5 वॉच लिस्ट होता है, तो हमें एक वॉच लिस्ट में 10 स्टॉक्स रहता है। तो हमें 50 स्टॉक्स अगर वॉच करना है तो यहाँ पे हर एक वॉच लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एंट्री कर सकते हैं अपना जो जो स्टॉक लेना है। अभी हम RSI सीखेंगे। RSI जाने के लिए यहाँ पे सर्च बार में जाएंगे। जाने के बाद में यहाँ पे हम 3 स्टॉक का RSI रिसर्च करेंगे। कैसे करते हैं वो देखेंगे। बाजाज फिनसर्व का अभी एग्जाम्पल के लिए लेंगे। बाजाज फिनसर्व यहाँ पे एंट्री किए, NSE पे गए। जाने के बाद में बाजाज फिनसर्व में आ गए। उसके बाद में यहाँ पे चार्ट पैटर्न ओपन कर लिया हम लोग ने। चार्ट पैटर्न ओपन करने के बाद में ऑलरेडी RSI पहले से सेट है, तो अभी इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। हटाने के बाद में स्टार्टिंग से बताता हूँ कैसे एंट्री करेंगे। यहाँ पे हम स्टडी में जाएंगे। स्टडी में जाने के बाद में यहाँ पे RSI एंट्री करेंगे। RSI टाइप करने के बाद में RSI के ऊपर क्लिक करेंगे। RSI के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे RSI का सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में सेटिंग हम लोग 80 रखेंगे और ओवरसोल्ड का 30 रखेंगे। ओवरबॉट का 80 रखेंगे, ओवरसोल्ड का 30 रखेंगे। 30 का कलर ब्लैक दे देंगे और ओवरसोल्ड का रेड कलर दे देंगे, ताकि रेड में हमें बाहर निकलना है, एग्जिट करना है, सेल करना है। रेड कलर सेट कर दिए। यहाँ पे डेज 14 डेज का रहेगा, क्लोजिंग प्राइस रहेगा, क्लोज टू प्राइस रहेगा, बाकी सब इस हिसाब से आज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे डन करना है। आने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न में आ जाते हैं। कहाँ पे हमारे को अपॉर्चुनिटी मिला था बाइंग का वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिला था मार्च में। मार्च में अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अगर बाय करते चलते, यहाँ पे हमें मेजर करने के लिए हमें ऑप्शन मिलता है। ड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेजर करने के लिए जाएंगे, कितना परसेंट गेन है यहाँ पे मेजर हो सकता है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आएंगे। यहाँ पे 20 का RSI के नीचे चला गया था। यहाँ पे देखिए कितना 17 RSI है। तो हम तो 30 पे बाय कर लिए होते। जब 30 आया उस टाइम पे बाय कर लिए होते। अगर 30 आया इसी टाइम पे बाय किए होते हम, तो यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन के लिए हम अगर इंतज़ार करते, यहाँ पे ओवरसोल्ड भी आ गया था इसी टाइम पे, हम सेल कर दिए होते। अगर हमने सेल किए तो हमें कितना परसेंट गेन मिलता, 93% गेन मिलता। और कितना कैंडल्स पे, 170 कैंडल से। ये सब 1 डेज़ का कैंडल यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। 1 डे का कैंडल पे अगर देखा जाए तो हमें एक दिन का एक कैंडल होता है, तो इसी हिसाब से वो 93% का गेन हमें 6 मंथ्स के अंदर मिल गया था। नेक्स्ट देखेंगे हमारे को अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिला था। अभी जाएंगे बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट में अगर जाते हैं तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला था, क्योंकि यहाँ पे RSI 30 था। तो अगर इसी हिसाब से हम बाय कर लिए होते, अगर यहाँ पे बाय करते तो सेल का अपॉर्चुनिटी के लिए हम इंतज़ार करते, नहीं तो ऑल टाइम हाई। और जो दूसरा स्ट्रेटेजी होता है, ऑल टाइम हाई के पास चला जाएगा, हम सेल कर देंगे। यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास चला गया था, यहाँ पे सेल कर दिए होते। अगर यहाँ पे सेल करते हैं तो 110 कैंडल 35% का गेन हमें मिलता। हमें सब मार्केट लीडर कंपनी में रहना है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाइटन, इसी कंपनी को सिलेक्ट करना है। जो कंपनी का लिस्ट में दिया हुआ है वो सारे कंपनी को सिलेक्ट करना है। मार्केट लीडर कंपनी के साथ में रहना है। वो लिस्ट ऑलरेडी मैं एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो लिस्ट को आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिर और एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे कहाँ पे हमारे को अपॉर्चुनिटी मिला था, बाय का सिग्नल मिला था। अगर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे और एक बाय का सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पे RSI आ गया था। यहाँ पे इसी हिसाब से RSI देखेंगे तो 28.49 था। अगर इसी हिसाब से, इसी RSI के बेस पे हम अगर खरीदे, मतलब बाई किए होते, यहाँ पे बाई किए होते और ऑल टाइम हाई के पास में सेल किए होते, अगर जाते हैं तो जाने का टाइम पे हमारे को यहाँ पे एक टारगेट मिलता ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई के तक तो अगर हम होल्ड करके चलते तो 3 मंथ्स, 80 कैंडल, 80 कैंडल मतलब 80 डेज, तो 3 मंथ्स के अंदर में हमारे को 30% का गेन मिलता। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही सारे स्टॉक को आप रिसर्च करना है। सारे ग्रेट कंपनी मार्केट लीडर को आपको रिसर्च करना है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में जाएंगे, हिंदुस्तान स्टॉक पैटर्न भी खोलेंगे, टाइटन में जाएंगे, सब मार्केट लीडर कंपनी में आप खुद रिसर्च कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। मैं उस कंपनी का नाम दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे मार्केट लीडर कंपनी टाइटन है। टाइटन में 30% का RSI पे यहाँ पे मिल रहा था अपने को।
अगर यहाँ पे हम बाई किए हो तो 894 में RSI के हिसाब से, अगर यहाँ पे बाई किए हो तो ऑल टाइम हाई के लिए रखते होल्ड करके, यहाँ पे ऑल टाइम हाई अदरवाइज ओवरसोल्ड जोन तक, तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई आ गया। इसके बाद में हम सेल कर लिए होते ऑल टाइम हाई तक, अगर होल्ड करके चलते तो 55% का गेन है 182 कैंडल है, इसका मतलब 190 डेज है। 190 डेज मीन्स अराउंड 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, 6 एंड हाफ मंथ्स, ठीक है। उसके बाद में फिर और एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे कहाँ पे अपने को अपॉर्चुनिटी मिला था। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, 30 RSI पे चल रहा था। यहाँ पे अगर बाई करिए कर लिए होते अपन, हम लोग अगर यहाँ पे बाई किए होते इसी इसी कैंडल पे ऑल टाइम हाई तक होल्ड करते, अगर ऑल ऑल टाइम हाई तक अगर हम लोग ने होल्ड किए होते 48 कैंडल से, इट मीन्स मतलब 1 एंड हाफ मंथ्स, और 2 मंथ्स से, 2 मंथ्स के अंदर में हमें 25% का गेन मिलता। इसे बैक टेस्ट और भी कर लीजिए। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले आपको खुद को रिसर्च करना ज़रूरी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंट बिल्ट होगा मार्केट में, ताकि आप पैसे भी कमा सकते हैं। और कॉन्फिडेंट बिल्ट होगा तो उस स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड भी चला जाए तब भी आप होल्ड कर सकते हैं, आपको कोई डर भी नहीं लगेगा। यहाँ पे और एक बार देखिए, और एक अपॉर्चुनिटी मिला था 2017 में। यहाँ पे अगर बाई किए होते ऑल टाइम हाई तक, अगर होल्ड किए होते ऑल टाइम हाई तक, अगर होल्ड किए होते यहाँ पे 65 डेज, 65 बार्स, मीन्स एक बार होता ही 1 डे का कैंडल कैंडल पे सेट किया हुआ है। यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे 1 डे का कैंडल पे हम लोग ने सेट करके रखे हैं, तो हमें हमेशा 1 डे का कैंडल पे चेक करना है। यहाँ पे जाएंगे 70 बार्स में 38% का गेन है, इट मीन्स 2 एंड हाफ मंथ्स 38% का गेन है। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स, तो इसीलिए आप अपना रिसर्च कर लीजिए, इसी बेस पे आप रिसर्च करके स्टॉक ले सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके लिए था RSI का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।